देवास जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी व देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सोलंकी के बीच जिला योजना समिति की बैठक में तीखी बहस। जब किसानों की कर्ज माफी को लेकर सांसद महेंद्र सोलंकी को प्रभारी मंत्री पटवारी ने उपलब्ध कराए दस्तावेज तो सांसद ने कहा यह तरीका गलत। दरअसल देवास में आज जिला योजना समिति की मीटिंग थी जिसमें सांसद महेंद्र सिंह जिला योजना की मीटिंग में पहली बार सम्मिलित हुए थे। प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी को दर्शाता है महेंद्र सोलंकी ने किसान कर्ज माफी वरना बातों को लेकर कुछ तीखी आवाज में अपनी बात रखी। प्रभारी मंत्री ने उन्हें बताया कि हमारे पास पूरे दस्तावेज है जिन किसानों की हमने कर्ज माफी की है, अगर कुछ लोग छूट भी गए हैं तो उन्हें भी आप लोग हमें बताएं। सभी किसानों की परेशानी दूर होगी। जब उन्होंने कुछ दस्तावेज भी महेंद्र सोलंकी को उपलब्ध कराए जिस पर सांसद महेंद्र सोलंकी ने आपत्ति ली और कहा कि आपका तरीका ठीक नहीं है। इस बीच दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई जिसके बाद जिला योजना समिति की बैठक भी समाप्त कर दी गई। गौरतलब बात ये भी है कि सांसद बनने के बाद महेंद्र सोलंकी की योजना समिति की पहली बैठक थी जिसमें उन्होंने प्रभारी मंत्री को अपने तेवर दिखाए। वह न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े हैं। खाते गांव देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। आपका चुनाव खर्च कराने का तरीका जो है वो पूरी तरह से नियम अनुसार नहीं है और आप जिस प्रकार से डेटा उपलब्ध करा रहे हैं एक तरह से आप जनप्रतिनिधियों का और किसानों का अपमान कर रहे हैं। चलिए हो गए। आप ये बात मेरी समझता हूँ पॉजिटिविटी इसमें लगा रहा है तो आप जो जनप्रतिनिधि का सम्मान हम सबको करना है। यहाँ जो सदस्य बैठा है वो जिला पंचायत सदस्य हो पार्षद हो विधायक हो सांसद हो मैं हूँ और सबका जो भावना है मूल शासन की योजना है सही रूप में है तो सांसद महोदय ने भी बोलता है तो ऐसे जितने जो चेन नहीं मिलती आपके पास कोई ऐसी बात जिससे कि विधानसभा में भी सम्मान बैठने की व्यवस्था रहती है। ये भी जिले की सरकार है। यहाँ पत्रकार एक घंटे से खड़े हैं दो तीन घंटे से उनके भी बैठने की समुचित व्यवस्था आगामी मीटिंग में की जाए तो बेहतर होगा। मैं ये आपकी जो पॉजिटिविटी है इसको सकारात्मकता से लेके पत्रकारों के बगैर लोकतंत्र या जर्नलिज्म के बगैर लोकतंत्र अधूरा है उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। चल जैसे एक घंटे से खड़े हैं अभी जगह भैया आज जो है किन विशेष मुद्दों पर जो है आज चर्चा हुई बैठक में? आज जो एजेंडा था वो पानी के सोर्स पे था, पानी की उपलब्धता पे था, किसानों को जो जय जवान किसान ऋण माफ़ी योजना है उसके अंतर्गत लाभ के और अगले चरण की शुरुआत के लिए था, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी का था, नगर निगम का था, संबंधित विद्युत मंडल से जो परेशानियां विद्युत विभाग से संदर्भ में आई उस पर था। मैं समझता हूँ उस पर सकारात्मक चर्चा हुई। हर परिवार के साथी ने सारे सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाए और एक पॉजिटिविटी से जिला सरकार की मूल धारणा को अवगत या मूर्त रूप देने की कोशिश हुई। पर एक नवाचार जो हुआ है आज वो सबसे महत्वपूर्ण और वो देवास से हुआ है, देवास जिले से हुआ है कि जमीनी पूरी योजनाओं का लाभ हमारे परिवार के लोगों को मिले इसको लेकर पूरा प्रशासन 5 दिन तक जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण पर रहेगा, रात्रि विश्राम वहीं करेगा। कलेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके नीचे हमारे तहसीलदार SDO अन्य अधिकारियों की सूची ग्रामवार बनाई जा रही है, बनाई गई है, जिसके अंतर्गत सबको निर्देशित किया गया है। चूँकि विधायक जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस के साथ साथ सबसे मेरा अनुरोध है कि इसका मूल भावना परिवार के लोगों को मूल रूप से योजनाओं का लाभ और छोटी मोटी समस्याओं से निराकरण, सरकार जनता की समस्या के समाधान और आपके द्वार, मैं समझता हूँ ये अनूठी योजना आई है। मैं भी खुद प्रभारी मंत्री होने के नाते PWD मिनिस्टर आदरणीय सज्जन वर्मा खुद हमारे विधायकगण सारे महापौर से भी मैंने तो अनुरोध किया है, जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष से भी अनुरोध किया है कि वो भी एक एक गांव में एक एक दिन 4 दिन तक लगातार 5 दिन तक रहें। ये हमारी भावना है, इससे जनता को लाभ हो और मैं भी आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ जब हम जाएँ तो आप लोगों का भी उसमें हमें सहभागिता मिले। ये सकारात्मकता आज के सदन की रही है। सर भीषण गर्मी पड़ रही है, वन आच्छादित पूरा जिला है अपना, यहाँ पे 100 बंदरों की मौत हो गई।
वन विभाग की निष्क्रियता के चलते। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रकरण आपने बताया है, ये बड़ी गंभीर बात है। पिछले 8 दिन से लगातार मुख्य पेपरों में छप रहा है, चैनलों पे दिखाया जा रहा है। अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप पानी की परेशानी के अभाव के कारण, मैं आज ही निर्देशित कर रहा हूं कि जहां जहां इस तरह से परेशानी पानी को आ रही है, प्रशासन हमारे जानवरों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए भी व्यवस्था करे, जो संभव हो वो भी और जो संभव नहीं है वो भी, कैसे भी किसी भी जीव की मौत पानी की कमी के कारण नहीं होनी चाहिए। पर फिलहाल उदासीन पूरा नजरिया दिखा, एक भालू भी जो है नेमावर में देखने को मिला पानी की तलाश में, तो उदासीन नजरिया पूरा डीएफओ का मामला सामने आ रहा है। क्या जिस इस संदर्भ में आपने मेरे संज्ञान में चीज विषय लाया है, मैं उस पर समस्या के समाधान की ओर भी जाऊँगा और लापरवाही के लिए कौन दोषी है इसकी इस संदर्भ में भी विवेचना कर। यह एक अहम सवाल, 410 करोड़ रुपए का स्टाम्प ड्यूटी का घोटाला अनाज मंडी के अंदर हुआ है, पीओ में उसकी शिकायत हुई है, आपको जानकारी नहीं है या नहीं? बाबुली चने का वो 30% ड्यूटी को लेकर के पूरा पूरा मामला है, उसमें इंदौर ये और ये विषय के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आपके संज्ञान में कोई बात है, मेरे को लिखित भी दें। आदरणीय कलेक्टर से अनुरोध है कि ये पूरा विषय देख के समझ के निराकरण। किसानों का विरोध चल रहा है उसको भी।